नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में सियासी समीकरण बदलने के साथ ही सीन भी बदल गया है। जो कल तक सत्ता के साथ थे वे विरोधी हो गए और एक दूसरे के खिलाफ जमकर हाथ आजमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अब बिहार में जंगल राज दिखने लगा है, तो दूसरी तरफ बिल्कुल न्यूट्रल खड़े लेकिन जिनकी वजह से नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ छोड़ दिया, जो अपने को कभी मोदी के हनुमान कहा करते थे चिराग पासवान, वे लगातार नीतीश पर हमलावर हैं। उन्हें पहले भी जंगल राज नजर आ रहा था और आज भी जंगल राज ही नजर आ रहा है। लेकिन चिराग पासवान ने अपने प्लान पर काम शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि यह इस प्लान में बीजेपी भी साथ है। आखिर हम आपको बताते हैं कि चिराग पासवान का प्लान है क्या। चिराग पासवान नालंदा पहुंच गए हैं। उनकी पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और वहां से वे लगातार हुंकार भी भर रहे हैं, और वो भी नीतीश के खिलाफ, यानी नीतीश के घर से नीतीश को नेस्तनाबूद करने की पूरी कवायद शुरू कर दी गई है। क्या आने वाले दिनों में चिराग पासवान का यह प्लान नीतीश कुमार के पार्टी को श्मशान बना देगा, या फिर नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाने के बाद कहीं और ज़्यादा बिहार की राजनीति में आबाद हो जाएंगे? हम इसी सवालों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। चिराग पासवान नालंदा पहुंच गए हैं, 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर उनका शुरू हो चुका है और चिराग पासवान नीतीश कुमार को बकसने के मूड में नहीं है। चिराग पासवान की वजह से ही नीतीश कुमार 43 सीटों पर बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में आकर सिमट गए थे और अब आगे भी चिराग चाहते हैं कि नीतीश का चिराग बिहार की सियासत में बुझा करके ही दम ले। बताया जाता है कि चिराग पासवान इस बार जो प्रशिक्षण शिविर वहां चला रहे हैं उसका मुख्य मकसद है कि दलितों और महादलितों पर फोकस करके 2025 के आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने को मुख्यमंत्री के तौर पे उभारना, यानी एक सियासी समीकरण को, नए सियासी समीकरण को जन्म देते हुए बिहार की सियासत में एक अलग राजनीतिक बिंदु पैदा करना। अब इसमें कितने वो सक्सेस कर पाएंगे यह तो वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार के घर नालंदा से उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। जानकार बताते हैं कि इसमें बीजेपी का भी रोल होगा आगे आने वाले समय में। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या आप बीजेपी के या मोदी के हनुमान हैं, उन्होंने कहा कि मैं किसी का हनुमान नहीं हूँ, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार में सियासत चला रहे हैं मैं उसके खिलाफ जरूर हूँ और अंतिम दम तक बिहारियों के पहचान के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जिसे नीतीश कुमार ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। यानी उनका कहना है कि बिहारी स्वाभिमान और अस्मिता को नीतीश कुमार ने बर्बाद किया है और मेरी कोशिश है कि हम हर कीमत पर आवाज़ करें। अब जरा इसे ऐसे समझिए, लोक जनशक्ति पार्टी के एकमात्र सियासी चिराग हैं और वो दलितों और महादलितों को एकजुट कर नीतीश के खिलाफ आने वाले दिनों में हुंकार भरने की तैयारी में पूरी तरह जुट गए हैं। चिराग नालंदा से एक तरफ दलितों और महादलितों को साधने के साथ साथ सवर्णों के वोट बैंक पर भी वे नजर रख रहे हैं। अब जैसा देखा जा रहा है या उनके प्लान का यह हिस्सा है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय वे बिहार में देंगे। चिराग पासवान, सबको पता है कि फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को सामने लाया है और उस पर वे काम कर रहे हैं। बाकायदा एक श्वेत पत्र भी जारी किया जाएगा और जिसे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर अपने समाज में जाकर बताएंगे। और इस शिविर की खासियत है कि यहाँ महिला कार्यकर्ताओं का खासा ध्यान रखा गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की माने तो नालंदा में 2.5 लाख से ज़्यादा पासवान वोटर हैं और वे एकजुट हो गए तो चिराग पासवान को आने वाले चुनाव में बहुत ज़बरदस्त फायदा होगा। इसलिए चिराग ने हुंकार के लिए नालंदा को ही चुना। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चिराग पासवान की सक्रियता के पीछे सियासत के जानकार जो हैं वे मानते हैं
कि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का रोल अहम है। सियासत के जानकारों की माने तो ये जो महादलित और दलित के प्रशिक्षण को लेकर नालंदा में प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें आने वाले अब कल के वक्त में मतलब श्वेत पत्र भी जारी किया जाएगा, इस मकसद को अंजाम देने के पीछे बीजेपी का भी हाथ है। मतलब आने वाले समय में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बिहार में सियासी समीकरण बदल गया है, सात दलों के साथ महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। जानकार यह भी बताते हैं कि फिलहाल अगर चुनाव हो तो नीतीश कुमार और लालू मिट्टी पलीद कर सकते हैं बीजेपी की, तो आने वाले समय में बीजेपी भी यह चाहता है कि जो छोटे छोटे यहां दल हैं जैसे मुकेश सहनी और चिराग पासवान, इनको हर कीमत पर अपने साथ लाया जाए। हालांकि यह बताया जा रहा है कि जिस तरीके 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने पाला बदलते हुए बीजेपी से अपना हाथ छुड़ाकर एक नए समीकरण को पैदा करने की कोशिश की और नीतीश शाहरुख खाने चित्त हो गए, इसी तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में एक नए राजनीतिक लय को बांधने की कोशिश होगी और उसी का हिस्सा है चिराग पासवान का नालंदा से हुंकार भरना। इसके पीछे बीजेपी का कितना हाथ है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से नीतीश पर लगातार हमला बोल रहे हैं चिराग पासवान और नालंदा लोकसभा क्षेत्र में 2.5 लाख पासवान वोटरों को एकजुट करने का प्रयास और उसी के माध्यम से पूरे बिहार में पासवान वोटरों को एकजुट करने के प्रयास में जुटे हैं, ताकि आने वाले समय में नीतीश कुमार की सियासत को पूरी तरह खत्म की जा सके और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका प्लान है कि हर कीमत पर नीतीश को सक्रिय राजनीति से दूर किया जाए। अब तो वक्त बताएगा चिराग का यह प्लान और इसमें बीजेपी का कितना हाथ है और आगे आने वाले समय में नीतीश कुमार किस तरीके से चिराग के इस प्लान से अपनी लड़ाई को अंजाम देते हैं। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश चिराग से बुरी तरह पटभनी खा चुके हैं और यही वजह रही कि नीतीश कुमार ने चिराग का नाम लेते हुए, यहां तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जदयू के हैं ललन सिंह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हुए ये ऐलान कर रहे थे कि हम अलग होने जा रहे हैं इनसे बीजेपी से, तो उस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि ये चिराग पासवान ही एक इसमें एक बड़ा कारक बन के खड़े हुए कि हम बीजेपी से अलग हो रहे हैं।